हमीरपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर मटन सेदम क्षेत्र में नया शराब का ठेका खोले जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। महिला मंडल मटन सेद की महिलाओं ने शराब के ठेके के बाहर बैठकर धरना दिया और ठेके को बंद करने की मांग की। वहीं महिलाओं के धरने पर बैठने पर मौके पर पुलिस पहुंची और आबकारी कराधान के अधिकारी भी पहुँच गए। प्रधान महिला मंडल राधा कृष्ण, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ठेका खोला जा रहा है, उसके विरुद्ध हम यहाँ पर आए हुए हैं सभी ग्रामवासी। ये ठेका पहले ऐसे ही हमारा प्रॉपर ऊपर मटन स्टॉप में होता था, जिसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया था। उसके लिए हमारे 7 लेडीज ने 7 साल तक केस लड़ा था कोर्ट में। उसके बाद हमने वो केस से भरी हुई तो उनके साथ हमारा पूरे गाँव जो थे वो सारे डिस्टर्ब हुए थे। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर यहाँ से बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए तो उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बच्चे लड़के लड़कियाँ रात को या ये रास्ता है यहाँ से, तो हम ये बोलते हैं इनसे कि आप ऐसे करें कि इसको कहीं और दें। हम जानते हैं सरकार के लिए इसके यहाँ होती है सरकार, तो इसके लिए हम ये नहीं बोलते कि आप बंद मत करो, कहीं और जाओ या कुछ करो, बट यहाँ नहीं खुलनी चाहिए हमारे। मेरा नाम सुमन पटियाल है, मैं इस ब्रोवर डुग्गा पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हूँ और मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये यहाँ ठेका खोलने की बात हुई है। तो पहले भी हमने 7 साल लड़ाई लड़ी है, जब मैं महिला मंडल की प्रधान थी तब हमने 7 साल केस लड़ा है, और तब भी यही था कि मतलब हमारे प्रधान ने उस टाइम भी नहीं सुना था, हमने उनको 1 साल पहले भी अपील करवाया था कि ठेका बंद होना चाहिए था, और आज फिर हमारे प्रधान ने NOC दे दी, किसी को नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ मतलब वार्डपंच से भी नहीं बात की। तो हम पंचायत समिति सदस्य तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने वार्डपंच से भी नहीं पूछा, ना गाँव वासियों से पूछा, और अपने बिना इससे NOC दे दी और यहाँ ठेका खुलवा दिया। तो हम इसका विरोध करते हैं सभी मिलकर, और हम ये चाहते हैं कि कहीं खाली स्पेस पे खोल लिया जाए। उनके घर के पास जगह है, हमारी खाली जगह है, हम वहाँ जगह देते हैं, वहाँ खोल लें, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं हो नज़दीक का, क्योंकि बहुत साथ में तो ठेका था पहले भी जो हमने उठाया है, इतनी दूरी पे उस तक को। तो सर अब दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो बहुत शर्म की बात है कि जो चीज़ हमने 7 साल मतलब 7 साल केस लड़ा, उसके बाद हमने दोबारा उस चीज़ को हम रिपीट करवा रहे, तो हम समस्त गाँव वासियों के लिए बहुत शर्मनाक बात है ये। धन्यवाद। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि शराब ठेके के खुलने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित होगी और एक ग्राम पंचायत प्रधान ने अपनी मन मर्जी से शराब ठेका खोलने के लिए NOC दे रही है। मेरा नाम है अंचल सिंह पटियाल, मैं इस पंचायत का वाइस प्रधान। क्या हुआ, क्या मामला, क्या सर? यहाँ मसला ये है सर, एक्साइज वालों ने ठेकेदार से मिलके रातों रात यहाँ पे शराब का ठेका खोलने का काम किया है, जो कि एक जनग्रोह की फैसला है, इसका समाज पर दुष्प्रभाव भी पड़ने वाला है आने वाले समय में। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे एक वाइन शॉप हुआ करती थी मटन से, आज से 4 वर्ष पूर्व उसको क्लोज किया गया था। उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी महिला मंडलों के द्वारा, तो उनके ऊपर फौजदारी केस भी बना था, फिर बाद में उसका पटाख से हुआ कंप्रोमाइज करके, तो वो इसीलिए उठाया था कि भविष्य में यहाँ पर शराब का ठेका न खोला जाए। इसमें क्या है कि पंचायत की प्रधान ही इशू करके NOC दिया है, तो उसने बिना किसी सहमति से, बिना प्रोसीडिंग प्रस्ताव डाले, बिना किसी वार्डपंच से नहीं पूछा, वो प्रधान से नहीं पूछा, अपनी मनमर्जी से ठेकेदारों के रजिस्टर में आके तो NOC इशू करवा दिया। तो यही हमारा विरोध है। अब वो पब्लिक के सामने, न्यूज़ चैनल वालों के सामने नहीं आ रही अपना पक्ष रखने के लिए। सेक्रेटरी साहब से भी बात करवाई है पुलिस की, उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने कोई प्रस्ताव नहीं डाला अपने रजिस्टर में, तो ऐसा गैर कानूनी और मनमाना काम किया है जिसके नतीजे आने वाले समय में खराब होंगे। सर प्रधान कौन आपके यहाँ पे? लेडीज़ प्रधान है मेरे गांव से, है लाड़ से मंजू देवी नाम। विरोध जो है हमें अभी पता लगा ऑफिस में, तो जैसे पता लगा वैसे हम आए हैं, हमारे AC साहब हैं, हमारे सर्कल ST हैं, तो देखा यहाँ पे महिलाएं जो विरोध कर रही हैं ठेके का कि यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, तो उसको देख रहे हैं, लेकिन जो भी खुला है वो कानूनी तौर पर ठीक है। कोई ये पंचायत के NOC का बोल रहे हैं कि प्रधान है मनमर्जी से NOC दी, आप उस पर क्या कहना है विभाग? वो तो पंचायत प्रधान ही बता सकते हैं मनमर्जी से दी थी कैसे, तो ये बोल रहे हैं, मेरे पास तो उनकी NOC पड़ी हुई है। तो जो आबकारी एक्ट है उसमें क्या पंचायत की NOC वैलिड होती है ऐसी जो ठेका खोलने की? रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन दी है वो तो वैलिड नहीं।